और साउथ अफ्रीका जैसा हम चाहते थे वैसा ही खेला बिल्कुल। आज एक अच्छा टोटल लगाया स्कोरबोर्ड पे और टेम्बा बबूमा आई लव यू, वी ऑल लव यू, पाकिस्तान लव्स यू। और थैंक यू साउथ अफ्रीका, आपने पाकिस्तान को चांस दिया एक और बड़ी मेहरबानी है आपकी। पाकिस्तान को एक लाइफ लाइन, एक लॉटरी मिली है जहां पे पाकिस्तान आप क्वालिफाई कर सकता है। डू एंड डाई सिचुएशन होगी और बदवाएं चलेंगे अब पाकिस्तानियों की तरफ से। अब देखना ये है कि वो उस न्यूजीलैंड की जद में आती है, साउथ अफ्रीका या कोई और टीम आती है, बट अब दुआओं पे गेम चली गई है। हम तो ये दुआएं कर रहे हैं कि आज का मैच जो है वो साउथ अफ्रीका ही जीते और ये जीत से हमें बहुत फायदा होने वाला है। जब तक साउथ अफ्रीका हमारे साथ है तब तक मुश्किल है पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो। थैंक यू वेरी मच वंस ऑल ओवर अगेन एंड दिस वर्ल्ड कप वी नीड टू सी इंडिया वंस ऑल ओवर अगेन। साउथ अफ्रीका के जो पाकिस्तान के खिलाफ जो विक्ट्री है ना, वो तो एक तो अंपायर का वो गलत डिसीजन है मैं समझता हूँ, और अजीब बात है पाकिस्तान इतनी पॉपुलर टीम है वहां पे अगर वो आउट भी दे देते हैं तो पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में बने रहना इस वर्ल्ड कप के लिए भी अच्छा था, और वैसे भी वो जेन्युइन केस था लेग बिफोर विकेट का। बट एनी ये इंडिया वर्ल्ड कप नहीं लेना चाहिए, श्रीलंका ले जाना चाहिए या न्यूजीलैंड लेना चाहिए। ये बाहर की टीमें हैं, इंडिया भी बाहर की टीम है, हमारी टीम तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ले जाए और न्यूजीलैंड ले जाए तो भारत ना लेके जाए, भारत ना ले जाए। और ये खुशी होगी चलो ऑस्ट्रेलिया ले गई है, न्यूजीलैंड ले गई है, अफ्रीका ले गई है, इंडिया का न्यूजीलैंड से हमने डॉलर लिए हुए जो हमें खुशी होगी, वैसे खुशी होगी। भारत हारे, भारत हारना चाहिए। माय गॉड क्यों? ये बात कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा आप ये बात कर रहे हैं तो सीधी तरह बोले ना कि आप चाहते हैं कि भारत हारे। हारे नफरत की वजह? वैसे वजह हम मुसलमान है, ठीक है। तीन में से एक मैच भी न्यूजीलैंड जीत जाती है, तीन में से दो जीती तो फिर तो हम आउट है, न्यूजीलैंड है 12 पॉइंट हो जाएंगे। एक मैच भी जीत जाती है तो हमारे और पाकिस्तान के, हमारे और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स हो जाएंगे बराबर। कि मैं बार बार कह रहा हूं ये सब हम उस वक्त अज्यूम कर रहे हैं जब पाकिस्तान अगले दोनों मैच जीते, तो वरना तो बात ही खत्म है। दोस्तों आज साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हरा दिया है और पाकिस्तानियों के लिए जो कुदरत का निजाम T20 वर्ल्ड कप में चल रहा था वो ट्रेंडिंग होना फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी आज ज़्यादा दुआ कर रहे थे न्यूजीलैंड हारे और बुरी तरीके से साउथ अफ्रीका से हारे, ताकि पाकिस्तान का सेमीफाइनल जाने का चांस थोड़ा बढ़ जाए। और अब से पाकिस्तानी उम्मीद लगा रहे हैं कि वो भारत को सेमीफाइनल या फिर फाइनल में आकर हराएंगे। वो सपना कितना ज़्यादा सच होगा वो तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तानियों का दोगलापन, मतलब पिछले साल वो उम्मीद कर रहे थे साउथ अफ्रीका हार जाए, इस बार वो साउथ अफ्रीका कंधे पर बैठकर बोल रहे हैं कि वो जीत जाए, वो वाला वीडियो आप देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टालिश मोहम्मद बस कह रहे हैं कभी पाकिस्तान को सपोर्ट कभी अफ्रीका को गमी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम तेरा शुक्रिया। कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार, शेर जो इनके हैं ना यार, आपके फ्रेंड कभी इनके दर कभी उनके दर कभी दर बदर, वो वाला काम है हमारा तो, ये कभी ये जीत जाए कभी वो जीत जाए। वैसे अभी मैंने सुबह वीडियो बनाया उसमें मैं यही कह रहा था कि आप पिछले साल हम दुआ कर रहे थे कि ये हारे नेदरलैंड से, हां वो मीम चल रही है ना टेम्बा बबूमा बैठे हुए, वो वाली तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, दूसरी वाली जो है कि उसमें पहले तो हम हमारे लिए दुआएं कर रहे थे कि हम हारे, आज जीतने की दुआएं कर रहे हो। हाँ तो ठीक है यार, वक्त वक्त का बंदा बदलता है, इसको कहते हैं दोगलापन होना चाहिए। नहीं, हमें रियलाइज हो गया कि साउथ अफ्रीका अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त अच्छे लोग हैं। नहीं, कुछ दिन पहले तो न्यूजीलैंड वाले भी हमारे दोस्त थे, अब हम उनकी जान के दुश्मन है कि इनको निकालो बाहर, हमने जाना है सेमीफाइनल में। सोबी टोबी कह रहे हैं वो खुशी करके जीत रहे हैं मैच, वो तो जीते हैं। अभी तो सेमीफाइनल्स के लिए भारत क्वालिफाई हो गया, पहुंच गया सेमीफाइनल्स में। चलो अफ्रीका जीत जाए, न्यूजीलैंड जीत जाए, क्यों नहीं, कोई एक टीम तो जीतनी चाहिए। भारत क्यों नहीं, भारत हमारा दिल नहीं मानता। क्यों, आपका दिल नहीं मानता? नहीं मानता, उसने अच्छी बैटिंग की है, सारा कुछ अच्छा किया, अच्छे आउट किए हैं। अच्छा। किया, मुसलमान है हम। अच्छा। वो मुसलमान है हम, हमारा अफगानिस्तान मुसलमान नहीं है, अफगानिस्तान ले जानी, बांग्लादेश मुसलमान, तो वो क्यों कहते हैं कि वो श्रीलंका, ये इंडिया ना लेने, श्रीलंका मुसलमान है, इंडिया नहीं लेके जानी, श्रीलंका मुसलमान की बात, ऑस्ट्रेलिया मुसलमान, इंडिया ना लेके जाए, और न्यूजीलैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया ले जाए, अफ्रीका ले जाए, अफ्रीका ले जाए, लेकिन भारत ना ले, भारत नहीं, ठीक है। हम मैच हरी जा रहे हैं, बाकी ये बात है, जेलेसी हो रही है, वैसे बता रहा हूँ, जेलेसी हो रही है, हाँ जी, न्यूजीलैंड जेलेसी हो रही है, न्यूजीलैंड ले जाए, हसद बहुत बुरी चीज है, मेहनत करो आगे बढ़ो, न्यूजीलैंड लेने जाइए, अफ्रीका ले जाइए, ऑस्ट्रेलिया ले जाए, ऑस्ट्रेलिया ले जाए, लेकिन भारत ना ले, भारत नहीं। ये पाकिस्तान इंडिया का मैच बढ़ता है, पाकिस्तान खराब हो जाती, पैसे ले लेती है, एडवांस पैसे ले लेती है, तनख्वाह से पहले पैसे ले लेती है, हाँ जी, तनख्वाह, वो तो कहते हैं 5 महीनों से सैलरी से नहीं मिली भाई, डॉलर मिलते रहे हैं, चुप करके रहते रहे हैं, होते हैं मैच क्यों फिक्स होते हैं, मुसलमान के लिए फिक्स होते हैं मैच, पहले ही फिक्स हुए हुए हैं, पर श्रीलंका से मैच जीता है, इतने जा रहे हैं अफगानिस्तान से, इंडिया के खिलाड़ी और अफगानिस्तान के खुशी मना रहे थे कमरे में, अंपायर ने आउट नहीं दिया, अंपायर ने आउट नहीं दिया, अंपायर ने अंपायर भी बिका हुआ है क्या, अंपायर भी है,
मार दिया। सही प्लेयर नहीं, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तुम हो? नहीं नहीं मैंने किया। तुमने किया? नहीं किया मैंने। थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे खींच के लगाऊंगी। नहीं किया मैंने। क्या मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी? क्या हो गया? तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया पीछे? पीछे आगे से हटो, ये कैमरे पे सारा रिकॉर्ड होगा, मैंने खुद देखा इसको। पीछे हटो, मैं तुम्हारे मुंह पर खींच के दो तमाचे दूंगी। यह इंसान था, ये है पाकिस्तान की अवाम कि एक लड़की रश में खड़ी होती है और ये लोग पीछे से गंदी हरकतें करते हैं, तंग करते हैं। ये यहाँ की घटिया अवाम, गंदी अवाम, और भाग गया भगोड़ा कहीं का। सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम के लिए कल का दिन है, दुआओं का जरा दिखा दें कि न्यूजीलैंड के अगले तीन मैचेस, कल न्यूजीलैंड का मैच है साउथ अफ्रीका से, तो बासित भाई पहली दुआ हमने क्या करनी है कि कल न्यूजीलैंड हारे, साउथ अफ्रीका जीत जाए। तो आप सब टास्क पे लग जाए सारे खवातीन नजर कि कल है साउथ अफ्रीका से मैच, फिर पाकिस्तान से मैच है वो तो हमें वैसे भी जीतना ही है, और एक मैच है श्रीलंका से। इन तीन में से एक भी अगर जीत गया न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड आगे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एवरेज नेट रन रेट। आखिर लीग जो फॉर्मेट होता है उसमें अच्छा होता है कि एक टीमें जीती रहे, इंडिया और साउथ अफ्रीका थ्रू हो जाए, 12, 14, 16 जितने चाहिए ले लें, लेकिन तीन या चार टीमें बल्कि पांच टीमें श्रीलंका को मिलाकर 8 पॉइंट्स पे खिचड़ी बना सकती हैं टेबल पर। सही है, बबूमा का ये फायदा हुआ कि इन्होंने इनको बैटिंग पहले दे दी न्यूजीलैंड वालों ने। साउथ अफ्रीका का सबको पता है कि वो पहली बैटिंग करते हुए लंबे रन करते हैं, बाद में फंसते हैं, तो उन्होंने क्या सोच के उनको पहले बैटिंग दी? क्या अपना अपनी बैटिंग को बैक किया कि यार हमने 380 कर लिया था तो हम कर सकते हैं यहाँ पे? वही है वही उसी कॉन्फिडेंस को लेकर चले, बट आई थिंक रोज 383 नहीं हो सकते। और कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग फॉर्म और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग फॉर्म में फर्क है, ग्राउंड का भी फर्क। यार ये लोग ना ग्राउंड के अलावा उनकी बॉलिंग फॉर्म भी अच्छी है, डिजर्व करते हैं आगे जाना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, हम तो लग के बंदो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जीत जाए। दुआ करो कि ये पाकिस्तान मैच ना जीत जाए, ये आगे ना चला जाए, खुदा की कसम ये आपको कोड पड़ जाएगा, ये जो टीम बन जाएगी ये इसको खत्म होने दें, क्रिकेट को खत्म कर दें, इसलिए कि ये क्या कर रहे हैं, हमें नहीं जीत किसी और से जीतना, इंडिया से जीत जाते हमें सब अच्छा था। की परफॉर्मेंस अच्छी रही है? हाँ अच्छी रही, वो तो टीम भी तो देखे कौन सी है, बांग्लादेश। आप लोग बांग्लादेश को इतना लाइट क्यों ले रहे हैं? वो पता क्या, वो घर का जो वो सतेला बेटा होता है ना, जो घर से निकाला हो उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी। देखिए पाकिस्तान का सेमीफाइनल जाने का चांस तो है, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो आगे आने वाला टाइम में जो मैच है, एक तो पाकिस्तान के साथ है वो, तो उसको तो पाकिस्तान जीतना पड़ेगा। अगर वो मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो आखिर मैच जो है न्यूजीलैंड का वो डू और डाई वाला सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ मैच है और वो हारेगा तो फिर आउट, जीतेगा तो फिर रन रेट के हिसाब से डिसाइड होगा न्यूजीलैंड जाएगा या फिर पाकिस्तान जाएगा। अगर आखिर मैच में न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हरा जाता है तो फिर मेरे हिसाब से चांस ज़्यादा होगा न्यूजीलैंड जाने का, अगर रन रेट दोनों का मतलब पॉइंट दोनों का सेम हो तो, क्योंकि न्यूजीलैंड का रन रेट बहुत ज़्यादा प्लस में है। अगर पाकिस्तान वन साइडेड हराएगा और उनका रन रेट बहुत पीछे चलाएगा तो फिर बात अलग होगी, नहीं तो न्यूजीलैंड एक भी मैच जीत जाए तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। देखिए पाकिस्तान को भी अपना आखिर दो मैच जीतना होगा, दो मैच में से पाकिस्तान का एक न्यूजीलैंड के साथ है और एक इंग्लैंड के साथ है। न्यूजीलैंड को तो शायद पाकिस्तान हरा दे लेकिन इंग्लैंड वाला मैच उतना इजी रहेगा नहीं, हालांकि अब आप कह सकते हो इंग्लैंड तो बहुत बुरा खेल रहा है, बिल्कुल नीचे है, लेकिन देखिए अब इंग्लैंड के लिए इस वर्ल्ड कप में तो कुछ रहा नहीं, लेकिन इंग्लैंड के लिए फोकस है कि वो कैसे 2025 में जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगा वहाँ पर वो क्वालिफाई कर पाए। अगर वहाँ पर क्वालिफाई करना है तो न्यूजीलैंड को अपने बचे हुए मैच को अच्छे तरीके से जीतना होगा, जो अभी लग रहा है शायद पाकिस्तान के लिए चांस वहां जाकर फंस सकता है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड इंग्लैंड बिल्कुल खुलकर खेलेंगे, तो देखना होगा कुछ 5-6 दिन के बाद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस आगे क्या होता है। अगर पाकिस्तान मैच जीत भी जाता है, अगर भारत, इंटरेस्टिंग पॉइंट तो अभी से शुरू हुआ है, अगर भारत साउथ अफ्रीका से नहीं हारता है, पॉइंट टेबल पर नंबर वन पर फिनिश करता है, तो भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा अगर पाकिस्तान आता है तो। और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान बाकी 3 मैच जीत जाए, न्यूजीलैंड हारकर बाहर हो जाए, ताकि हमें फिर से मौका मिले पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पिलने का, और सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर 2011 की तरह हम फाइनल में जाए और फाइनल भी जीते। अभी देखना होगा, ये तो सारा अभी अब सब कुछ मतलब उम्मीद और दुआ पर चल रहा है, बाकी देखते हैं पाकिस्तान का परफॉर्मेंस आगे क्या होता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आप पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देखना चाहते हो या नहीं चाहते हो। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।